आज हम बनाने वाले हैं ये यमी से कुकुम्बर ग्रिल सैंडविचेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुकुम्बर सैंडविच बनाने के लिए हम सबसे पहले एक खीरे के बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट एंड बहुत थोड़ा सा हमारा लाल मिर्च पाउडर। इसमें डालेंगे कोई भी एक चटनी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड के वन साइड पर हम लगाएंगे चटनी। ब्रेड के दूसरे साइड पर हम लगाएंगे हल्का सा मेयोनीज। जिस साइड पर हमने मेयोनीज लगाया है उस साइड पर हम अच्छे से अपने कुकुम्बर की एक लेयर लगा लेंगे। कुकुम्बर के ऊपर अब हम लगाएंगे ग्रेटेड चीज का एक लेयर। चटनी वाली साइड को इसके ऊपर रखकर अच्छे से प्रेस करेंगे। इस पर हल्का सा बटर अप्लाई करेंगे। एक तवे को ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था। अब इस पर हम अपने सैंडविचेस रखेंगे एंड प्रेस करेंगे। सेकेंड सैंडविच को भी हम ऐसे ही रख लेंगे साइड में। इसे भी प्रेस करेंगे। इसके ऊपर की साइड पर भी हम हल्का हल्का बटर अप्लाई करेंगे। इन सैंडविचेस को हमें मीडियम फ्लेम पर ग्रिल करना है। अब हम इन्हें फ्लिप कर कर देख लेते हैं। हम एक बार और इन्हें फ्लिप कर लेते हैं। हमारे सैंडविच ऑलमोस्ट तैयार है। हमारे सैंडविचेस सर्व करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। मैंने इन्हें सर्व किया था गर्मा गर्म चाय के साथ। आप भी इन्हें इंजॉय कीजिए एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।